आज जो आप लोगों को आमंत्रित किया हमने, आपने हमारे पिछले तमाम कार्यक्रमों का बेहतर प्रसारण पूरे देश भर में किया। हमने अध्यापक नियमावली 2023 के प्रतिरोध में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से जो हमने प्रारंभ किया और भितहरवा तक, उसके बाद जन जागरण और समर्थन का जो हमारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे राज्य में, उसमें भी आपका सहयोग मिला है। हम लोगों ने लगातार सरकार से प्रयास किया कि सकारात्मक वार्ता हो जाए, लिखित बार बार निवेदन किया, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस पहल, सकारात्मक पहल, वार्ता के द्वारा इस समस्या के सुलझाने का कोई सकारात्मक प्रयास सरकार की ओर से नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार ने ही हम लोगों को, बिहार के तमाम शिक्षकों को, प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक तक के जितने भी शिक्षक हैं और जितने शिक्षक संगठन हैं, खास करके बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और जो हमारे साथ आनंद कौशल जी का संगठन है, बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ और बंसीधर ब्रजवासी का संगठन जो है परिवर्तनकारी शिक्षक संघ, अन्य शिक्षक संगठनों ने भी एक साथ संकल्प लिया है कि विधानमंडल का जो सत्र 10 से 14 प्रारंभ है, ठीक दूसरे दिन 11 जुलाई को 11 बजे इस राज्य के हजारों हजार शिक्षक पहुंच रहे हैं सरकार को यह चेतावनी देने के लिए कि यदि राजकर्मी का दर्जा पूर्व से कार्यरत जो 4 लाख से भी अधिक शिक्षक हैं उनको नहीं दिया गया तो हम शिक्षक प्रदर्शन करेंगे और लगातार जो 4 दिनों तक विधानमंडल की बैठकें चलेगी, जिन जिन क्षेत्र के शिक्षक आएंगे अपने क्षेत्रीय विधायकों और मंत्रियों के ही आवास पर डेरा डाल के रहेंगे, उन पर नैतिक दबाव हम देंगे कि आप सदन के अंदर हमारी न्यायोचित मांग, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो बेइंसाफी हुई है, आप इस मांग के समर्थन में आवाज़ बुलंद कीजिए और सरकार पर नैतिक दबाव दीजिए कि हमारी मांग सरकार मान ले और सदन के पटल पर ही घोषणा कर दे। इस बीच उकसावेपुर और भी कई कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यूँ हमने समर्थन के लिए अभी जो महागठबंधन का महाजुटान हुआ था, इसमें भी तमाम दलों के नेताओं को, चाहे वो माननीय राजीव गांधी हों, माननीय मल्लिकार्जुन हों, जो भी हों, तमाम केजरीवाल हों, सबों के हाथ में हमने, चाहे लेफ्ट वाले हों या जो हों, अपना यह मांग पत्र उनको समर्पित किया। यह जो नियमावली है यह बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, आम जनता को यह सरकार गुमराह कर रही है और मुझे आशंका है कि विधानमंडल के सत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय शिक्षा मंत्री का जवाब होगा वह यह कहेंगे कि हमने अब बिहार लोक सेवा आयोग से इम्तहान के द्वारा बेहतर शिक्षक की बहाली की घोषणा की है, नियम बनाया है, लेकिन अभी जो देखेंगे जो हमारा अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1993 है उसमें शिक्षक छात्र का अनुपात है, रेशियो बना हुआ है, उसमें है 30 छात्र पर एक शिक्षक। हिसाब लगा कर देखिए तो इस राज्य में आज 5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आपने प्रशासी पद वर्ग से
कितने पद स्वीकृत करवाए? 1,80,000। विज्ञापन कितने का दिया? 1,70,000। ये 10,000 पद कहाँ आपने छिपा लिया, कहाँ चुरा लिया? ये क्या मंशा है? कहीं कोई खुलासा आपने नहीं किया है? आपको क्या लगता है कि जो 10,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, विज्ञापन निकला है 1,70,000 का, तो ये जो 10,000 पद है क्या ये चोरी छिपे इसमें बहाली हो जाएगी या पैसे लेकर बहाली होगी? आप साफ साफ बताइए। अभी पैसा का कोई इल्जाम नहीं है जी, और चोरी छिपे का कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन आपने ही स्वीकृत करवाया 1,80,000। 10,000 रिक्ति आपने क्यों नहीं विज्ञापित की? इसका कारण सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। मेरा कहना है कि जितना पद आपने स्वीकृत किया उसको विज्ञापित कीजिए। उतने लोग बेरोजगार क्यों होते? इसीलिए हम कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि पूर्व से कार्यरत, पूर्व से नियुक्त को भी इम्तहान देना होगा तभी राजकर्मी का दर्जा उसको हम देंगे। तो पूर्व से कार्यरत भी इम्तहान में बैठ जाएंगे, और जो बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं 4-4 वर्षों से, वे भी हमारे साथ, जो हमारे बाल बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया इस प्रतियोगिता परीक्षा में, वे भी बैठेंगे। और हम ही जो पुराने शिक्षक हैं यही कम्पीट कर गए, तो बेचारे बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे। हम फिर फेल करेंगे, तो हमने आज ये बयान में लिखा है कि हमें आशंका है कि पुराने शिक्षकों पर भी ये बाद में छटनी की तलवार चलाएंगे और कह देंगे कि यह कैडर भी डाइंग कैडर हो गया, मरणशील कैडर हो गया। इसलिए हमारा इल्ज़ाम स्पष्ट है। हम आम जनता को भी यह बताना चाहते हैं कि यह सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है। प्रदर्शन करना शिक्षकों को अपना अधिकार है, उसमें हमें क्या कहनी है? लेकिन जो शिक्षक नियमावली बनी है वो राजहित में है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आप एक परीक्षा तो पास करनी है, शिक्षकों को वही परीक्षा देनी है जिसको वो पढ़ाते हैं, इसमें चिंता किस बात? इतना ही नहीं करें कि जितने भी तमाम शिक्षक आएंगे, जो टीचर आएंगे, वो तमाम अपने मंत्री और विधायक की आवाज़ पर रुके और वहाँ पे भी प्रेशर दें। रुकने से कोई किसी को मना करता है? सवाल है कि जो शिक्षक नियमावली आई है राजहित में है, बिहार अपनी विरासत को पाने के लिए चाहता है, बिहार अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा विरासत रहा है, ज्ञान की भूमि बिहार, फिर से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इमेज बने, इसके लिए प्रयास कर रही है।